Today we have discussed here about the determinant of 4 cross 4 matrix. सबसे पहले जो matrix लेना है 4 cross 4 का लेना है, फिर ये चेक करना है कि उसका determinant हम लोग किस तरह से find out कर सकते हैं. matrix लिया, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 rows, 1, 2, 3 and then 4 columns. this means that matrix का जो order होता है 4 cross 4 ही है. नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम, 4 रोज़ 4 कॉलम. अब इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बाहर रख लेते हैं और डिटर्मिनेंट के अंदर इस रो को फर्स्ट जो एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसकी फर्स्ट एलिमेंट की रो छोड़ लेनी है और फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम छोड़ लेना है. बाकी का जो है ना उसे डिटर्मिनेंट के अंदर मॉड के अंदर लिख लेना है. फिर एक साइन पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरह से आर होता है. फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेना है पहली रो का ही, फिर उसकी को बाहर लिख लेना है, साइन नेगेटिव का आ जाएगा. फिर उसके बाद उसकी रो छोड़ लेनी है और उसका कॉलम छोड़ लेना है. बाकी के जो रोज़ हैं उनको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेना है जिसका ये लिखा है. फिर उसके बाद प्लस साइन आ रहा है, पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव, थर्ड वापस पॉजिटिव साइन आ रहा है. थर्ड एलिमेंट लिया, बाहर रख लिया, फिर इसकी रो और इसका कॉलम हम लोग ने छोड़ दिया. और जो रोज़ हैं इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ के बाकी के जो तीन कॉलम हैं उसको मार्ट के अंदर लिख लेना है. फिर माइनस फोर आ जाएगा, पहला पॉजिटिव साइन था, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अब नेगेटिव साइन आ गया. माइनस फोर को बाहर लिख लिया, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, बाकी के जो तीन रोज़ हैं या तीन कॉलम्स हैं उनको लिख लेना है मार्ट के अंदर. अब यहाँ तक तो यहाँ से आगे हम लोग जिस तरह से 3x3 का मॉड फाइंड कर रहे होते हैं डिटर्मिनेंट उस तरह से करेंगे. फिर भी यही करते हैं कि बाहर इसको तो बाहर ही छोड़ लेना है ना 1 को. तो इसका जब हम लोग 3x3 के इस मैट्रिक्स का कर रहे होते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं बाहर लिख, उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर लिख लेते हैं. ठीक है, ये बाहर लिख लिया, फिर क्या करते हैं इसको तो सबके बाहर लिख लेना. तो यहाँ से हम लोग ब्रैकेट्स डालिए, तो इस की रो और इसके कॉलम को छोड़ देना है, बाकी का जो अंदर का है उसको मॉड में लिख लेना है. फिर -7 लिख लेना है सेकेंड एलिमेंट, और इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के जो कॉलम दो बच जाते हैं उनको इसके अंदर मॉड के अंदर लिख लेना है. फिर थर्ड एलिमेंट लेना है, पहला पॉजिटिव साइन लिखते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव साइन लिखा 8. फिर इसकी रो और इसके कॉलम को हम लोगों ने छोड़ लिया, बाकी के जो दो कॉलम हैं उनको हमने इसके अंदर लिख लिया. इस तरह से जब हम लोग इस 3x3 का सेम यही प्रोसेस है, इसमें भी यही अप्लाई करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट लिया, बाहर लिख लिया, फिर इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के जो बच जाते हैं उसको लिख लेना अंदर मार्ट के. फिर ये जब लेते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है सेकंड के साथ, तो उसको बाहर लिख लिया. फिर इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के अंदर लिख लिया. फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट इसी रो के थर्ड एलिमेंट को बाहर लिख लिया और इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के बाकी का जो बच गया है, बाकी के जो दो कॉलम्स बच रहे हैं उनको मार्ट के अंदर लिख लेना है. सेम प्रोसेस इस मैट्रिक के लिए भी करना है और सेम प्रोसेस इस मैट्रिक के लिए भी करना है जिस तरह से ये किया हुआ है. जब हम लोग इसी तरह से करते हैं इसके लिए, तो 3 को हम लोगों ने बाय लिख लेना है, ये किया है, ये 3 को बाय लिख लेना है, ये 3 को बाय लिख लेना है, इस 3 को बाय लिख लेना है जो सबके बाहर है. तो जब 3x3 करते हैं को बाहर लिखना है, इसकी रो और इसको कॉलम को छोड़ के बाकी के जो हैं उनको मार्ट के अंदर लिख लिया. फिर जब इस सेकेंड एलिमेंट लिया, इसका साइन नेगेटिव का आ जाएगा, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ के बाकी के जो कॉलम्स हैं उनको लिख लेना है. फिर हम लोगों ने इसका थर्ड एलिमेंट लिया, उसके साथ प्लस का साइन आएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के बाकी के जो दो कॉलम हैं उनको लिख लिया, उनका मार्ट फाइंड कर देना. फिर इसी तरह जब -4 बाहर बिल्कुल मेन लिख लेते हैं ये, फिर ब्रैकेट डाल लेते हैं. फिर फर्स्ट एलिमेंट को लिया, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ लिया और बाकी के का मॉड फाइंड कर दिया. फिर दूसरा एलिमेंट लिया, साइन नेगेटिव का आ गया, तो अंदर हम लोगों ने इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ के बाकी के जो कॉलम है उनको मॉड के अंदर लिख लिया. फिर इसी रो के थर्ड एलिमेंट को बाहर लिख लिया, पॉजिटिव साइन है, इस रो इस कॉलम को छोड़ के जो बाकी का बच गया उसको अंदर लिख लिया. सेम प्रोसेस ये किया हमने. फिर अब इससे आगे तो हम लोगों को सिंपली सेकंड मीन्स ऐड के 2x2 का जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, तब उसका मॉड फाइंड करना है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिस तरह से हमने ये किया. ये अगर इसकी ऊपर वाले की पहले कर रहे हैं ना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर दरमियान में साइन नेगेटिव का आ जाता है, फिर माइनस का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हेयर यहाँ पे भी क्या किया, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर साइन नेगेटिव का, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया साइन नेगेटिव का, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे करें इस तरह से। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने इसी तरह से किया, सेकेंड क्लास टू क्लास टू का मॉड फाइंड करने के लिए पहले इनको मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया माइनस लिख के, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोसेस किया, और फिर हम लोग सिंप्लीफाई करके तो आंसर ले आते हैं इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।